यस हेलो एवरीवन, वॉइस ऑडिबल है आप लोग को, सभी को? गुड इवनिंग अमर, वॉइस ऑडिबल है सभी को? एक बार कंफर्मेशन दे दो। चलो, तो हम लोग स्टोरेज क्लासेस पढ़ रहे थे। स्टोरेज क्लास में मैंने आप लोग को बेसिकली चार टाइप्स बता दिए थे कि ऑटोमेटिक, एक्सटर्न, स्टैटिक और रजिस्टर कीवर्ड्स क्या करते हैं, इसका क्या यूज केस होता है, ये सारी चीजें आपने देख ली थी। और इनके क्या लाइफ साइकिल है, मतलब कि कब तक इसकी विजिबिलिटी रहेगी, किस तरह से इसको यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी। कुछ प्रोग्राम्स भी हमने बना के देखे थे। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मतलब कि मैंने आप लोग से कहा था कि अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो और हमें अच्छे से समझ में आ पाएगा कि अगर हम स्टैटिक वेरिएबल लिख देते हैं, एक्सटर्न लिख देते हैं, ऑटोमेटिक लिख देते हैं, या फिर रजिस्टर अगर वेरिएबल बना देते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या बेनिफिट होता है, किस तरह का कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, ये थोड़ा बहुत हमको आइडिया लग जाएगा। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास अगर मिस कर दी है, तो प्रीवियस क्लास जरूर देख लेना, स्टोरेज क्लास की। ये पार्ट टू है, इसका पार्ट वन पहले मैंने पढ़ाया हुआ है, जिसमें मैंने ये सारी चीजें बताई हुई है। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट वन अगर मिस कर दिया है, तो इसके प्रीवियस में देख लीजिएगा, और प्रीवियस जितने भी वीडियोज है वो भी सारे देख लीजिएगा, आपको इससे बहुत बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ये ऑलरेडी मैंने आप लोग को बताया हुआ है, ये सारी चीजें मैंने आपको स्टोरेज क्लास बता दी थी कि इसका डिक्लेरेशन कहाँ, जो विजिबिलिटी डिक्लेरेशन कहाँ किया जाता है, इसका जो स्कोप है वो कहाँ पर होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया था, और इसकी लाइफ टाइम कितनी होती है, और डिफॉल्ट वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी। डिफॉल्ट वैल्यू ऑटो और रजिस्टर की गार्बेज होती है, और एक्सटर्न और स्टैटिक की जीरो होती है। तो दो की गार्बेज होती है, दो की जीरो होती है। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आप लोग को बता दी थी। इवन यहाँ पर मैंने आप लोग को ये भी बता दिया था कि यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टीज है, ये आपको मैंने बता दी थी। एक चीज इसमें मैंने आपको करेक्शन करवाया था कि यहाँ पर इस पीपीटी में ये गलत लिखा हुआ है कि रजिस्टर की जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो जीरो होती है, रजिस्टर की डिफॉल्ट वैल्यू जीरो नहीं होती है, वो गार्बेज होती है। ये भी मैंने आपको करेक्शन करवा दिया था, तो आई होप ये सारा करेक्शन आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, अब आप लोगों से एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाता हूँ, और एक एक करके आपको आउटपुट प्रिडिक्ट करना होगा। ठीक है, चलो तो रेडी हो, स्टार्ट करें। चलो तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। मेन फंक्शन हमने बनाया है, एक आई नाम का वेरिएबल बना दिया है, और ऑटो नाम का है, वो ऑटो टाइप का है वो स्टोरेज क्लासेस, और उसके बाद रजिस्टर बनाया है, रजिस्टर टाइप का स्टोरेज क्लास का एक जे वेरिएबल बनाया है, प्रिंट एफ फंक्शन से आई और जे की वैल्यू प्रिंट कराई है, फिर चेंज नाम का फंक्शन कॉल कराया है, चेंज में भी हमने आई और जे बनाया हुआ है, और फिर दोबारा से मेन फंक्शन में हमने प्रिंट करवाया। तो तीन बार प्रिंट एफ स्टेटमेंट चलेगा, तो बताओ तीनों बार में क्या आउटपुट प्रिंट होगा। ठीक है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बताओ क्या आंसर होगा इसका। कोशिश करो सभी का आंसर सही आना चाहिए। थर्टी सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं मैं, 30 सेकेंड्स में इसको करो। बहुत सिंपल है, ऑटो कीवर्ड और रजिस्टर कीवर्ड कैसे यूज करना है, इसकी स्टोरेज क्लास क्या होती है, सब मैंने बताया हुआ है। ठीक है, ऑटो से क्या होता है, ऑटो से हम ऑटोमेटिक डिक्लेयर करते हैं, अगर हमने ऑटो नहीं लगाया हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बाय डिफॉल्ट जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो ऑटो टाइप के ही होते हैं। 10, 20, 100, 200, फिर 10 और 200। अच्छा, और बाकी लोग बताओ, अमर ने तो आंसर दे दिया है, और बाकी लोग आंसर दो। ठीक है, चलो तो अब मैं बता देता हूं यहां पर होने क्या वाला है। यहां पर सबसे पहले हमने ये ऑटो टाइप का वेरिएबल बना दिया। ठीक है, तो अब ऑटो टाइप का वेरिएबल बनाओ चाहे ना बनाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको दो चीजें बताई थी, पहली बात तो कि ऑटो और रजिस्टर दोनों ही जो है ये लोकल वेरिएबल होते हैं, मतलब कि इसका जो लाइफ साइकिल होती है वो लोकल होता है, मतलब कि जब तक ये मेन फंक्शन है तब तक ये एग्जिस्ट करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मतलब जिस भी फंक्शन में हमने इसको बनाया है, इसका जो विजिबिलिटी होगी वो इसी फंक्शन के अंदर होगी, और जब तक ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तब तक रहेगा। मतलब कि आप ये समझो कि आपका जो मेन फंक्शन है उसको मेमोरी एलोकेट होगी। ठीक है, तो आपका ये जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन को मेमोरी एलोकेट होगी, और इसके अंदर आई नाम का वेरिएबल बनेगा और जे नाम का वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, तो ये आई नाम का वेरिएबल बनेगा और ये जे नाम का वेरिएबल बनेगा। अब जरूरी नहीं है कि हमने रजिस्टर लिखा है तो इसको मेमोरी रजिस्टर में मिले, हो सकता है रैम में मिली हो सकता है रजिस्टर में मिली हो, लेकिन इससे हमारे प्रोग्राम में कोई इफेक्ट नहीं आएगा।
आई के अंदर 10 असाइन हो जाएगा और जे के अंदर 20 असाइन हो जाएगा। और फिर जब हम पहला वाला प्रिंट एफ प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पर तो ऑब्वियसली 10 और 20 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर जो आई और जे एक्सेसिबल है वो है 10 और 20। उसके बाद चेंज नाम का फंक्शन कॉल होगा और चेंज नाम के फंक्शन को अलग से मेमोरी एलोकेट होगी। ठीक है, तो ये जो चेंज नाम का फंक्शन है इसको अलग से मेमोरी एलोकेट होगी और इसके अंदर के आई और जे अलग से बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज नाम के फंक्शन को मेमोरी एलोकेट होगी और इसके अंदर आई और जे अलग से बनेंगे। हो सकता है कि जे को रजिस्टर एलोकेट हो जाए, हो सकता है ना हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई के अंदर 100 आएगा और जे के अंदर 200 आएगा। तो जब हम चेंज नाम का फंक्शन कॉल कर रहे हैं उस समय मेन फंक्शन का भी मेमोरी ब्लॉक है और चेंज का भी है। क्यों? क्योंकि अभी मेन फंक्शन खत्म नहीं हुआ है। अब यहाँ पर जब आई और जे प्रिंट होगा तो चेंज नाम का फंक्शन जो है वो कौन से वाले आई और जे को रिफर करेगा? जो उसके पास है, जो चेंज नाम के बॉडी में है। तो यहाँ पर अब आई और जे की वैल्यू प्रिंट होगी 100 और 200। ठीक है, तो पहले वाला ने प्रिंट कर दिया था 10 और 20। दूसरी बात, चेंज नाम के फंक्शन के कारण प्रिंट हो जाएगा 100 200। और जैसे ही ये प्रिंट एफ फंक्शन खत्म होगा, चेंज की मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसका मतलब कि उसके अंदर के आई और जे भी खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और दोबारा से जो कंट्रोल है वो मेन फंक्शन पे आएगा। मेन फंक्शन में प्रिंट एफ फंक्शन चलेगा और फिर से आई और जे की वैल्यू वही वाली प्रिंट होगी जो हमारे पास आई और जे में थी, मतलब फिर से वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 10 और 20। तो पहले प्रिंट होगा 10 20, उसके बाद 100 200, और फिर से क्या प्रिंट हो जाएगा? 10 और 20। तो इसको मैंने एग्जीक्यूट करके यहाँ पर आपको आउटपुट स्क्रीन दिखा देता हूँ। तो जैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो ये आउटपुट स्क्रीन में आपको दिख रहा है कि मेन के आई जे प्रिंट होंगे पहले 10 20, उसके बाद चेंज के आई और जे प्रिंट होंगे 100 200, और फिर से मेन के आई और जे प्रिंट होंगे 10 और 20। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? जैनुद्दीन बिल्कुल ठीक कहा था, अमर ने भी फिर से करेक्शन कर लिया था, बिल्कुल ठीक है। आगे सबको समझ में? इसमें तो अब किसी को डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। यहां पर हमने आई जे के वेरिएबल बनाए हैं और इसको ग्लोबली डिक्लेयर किया है। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं है। अब इसको ग्लोबली डिक्लेयर करा है ना, तो बाय डिफॉल्ट अगर हम ग्लोबली बनाते हैं तो वो एक्सटर्न टाइप का ही होता है। ठीक है, कम्प्लीटली हम इसको एक्सटर्न की प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते, लेकिन अगर हमने कभी भी ग्लोबल वेरिएबल कभी भी हम डिक्लेयर करते हैं तो वो एक्सटर्न ही होते हैं। अगर हमने एक्सटर्न वेरिएबल बनाया तो एक तरीके का ग्लोबल वेरिएबल ही होता है। एकदम 100% सिमिलर नहीं होता, लेकिन इसमें काफी सारी सिमिलरिटीज होती है, जैसे कि डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है, और जो इसका लाइफ साइकिल जो विजिबिलिटी होती है वो पूरे प्रोग्राम में होती है। बस एक्सटर्न की जो विजिबिलिटी होती है वो अदर फाइल्स में भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाया तो उस फाइल में तो हम कहीं पर भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। जब तक प्रोग्राम नहीं खत्म होगा तब तक इसकी विजिबिलिटी बनी रहेगी। ठीक है, अब इसके अंदर आपको 2-3 रूल आपको सीखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, कहीं पर भी कोई वीडियो को स्किप मत करना और एक एक बात सुनना। ठीक है, अमर ने आंसर दे दिया है 1 2 3 10 20 30। अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर ऐसा होगा कि सबसे पहले तो पूरा जो फंक्शन है उसको मेमोरी एलोकेट होगी। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर दो वैल्यू एलोकेट होगी, एक मेन फंक्शन को भी मेमोरी एलोकेट होगी, और जब वैल्यू नाम वैल नाम का फंक्शन कॉल होगा तो वैल को भी मेमोरी एलोकेट होगी। ठीक है, एक आई जे के तो ग्लोबल रहेंगे जो कि कोई भी एक्सेस कर सकता है, और एक आई जे के जो बनेगा वो मेन फंक्शन के अंदर बनेगा। ठीक है, इस तरह से है। तो आप ये समझो कि ये वैल नाम का फंक्शन है जिसको मेमोरी मिलेगी, ये मेन नाम का फंक्शन है, और ये पूरा का पूरा मेमोरी ब्लॉक है जब ये पूरा प्रोग्राम चलेगा। यहाँ पर जो सबसे पहले जब हमारा ये एग्जीक्यूट होगा तो ये ग्लोबल वेरिएबल है आई जे के, ग्लोबल वेरिएबल है मतलब मेन फंक्शन के भी बाहर है, तो मेन फंक्शन के भी बाहर यहाँ पर आई जे के बन जाएंगे, और आई के अंदर 10 आ जाएगा, जे के अंदर 20 आ जाएगा, और के अंदर 30 आ जाएगा। उसके बाद मेन फंक्शन को मेमोरी मिलेगी, तो ये मेन फंक्शन को मेमोरी मिली और इसके अंदर भी आई जे के बनेंगे, तो मेन फंक्शन के अंदर भी आई जे और के बनेंगे, लेकिन मेन फंक्शन के अंदर जो आई जे के है इसके अंदर प्रिंट होगा, इसके अंदर वैल्यू असाइन हो जाएगी 1 2 3। अब जब यहाँ पर प्रिंट एफ फंक्शन चलेगा तो अब ये आई जे के किसके वाले एक्सेस करेगा, मेन फंक्शन के अंदर वाले या बाहर वाले? ऑब्वियसली अगर हमारे घर में अगर कोई चीज है तो सबसे पहले हम उसको इस्तेमाल करते हैं, अगर घर के अंदर हमारे कोई चीज नहीं होती है तब हम घर के बाहर जाकर उसको लेकर आते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से मेन फंक्शन भी ऐसे ही करेगा, सबसे पहले अगर उसको पूछा गया है कि आई जे के की वैल्यू प्रिंट करो तो अब मेन फंक्शन का घर ये है, उस घर के अंदर सबसे पहले वो ढूंढेगा कि उसको आई जे के मिल रहे हैं क्या। अगर उसको आई जे के घर के अंदर ही मिल जाएंगे
तो पहले वो उस घर के IJK को यूज करेगा, तो क्योंकि उसके घर में IJK की वैल्यू 123 है तो पहले वो प्रिंट कर देगा 123। अगर मान लो उसको नहीं मिलता कोई वेरिएबल, तब वो घर के बाहर जाकर उस वेरिएबल को यूज करता, पहला रूल। दूसरी बात, जब वेल नाम का फंक्शन कॉल होगा, तो वेल नाम का फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पर उसको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। अब वेल नाम के फंक्शन के अंदर तो हमने IJK बनाए नहीं है, तो सबसे पहले वेल नाम का फंक्शन क्या करेगा कि खुद के घर में ढूंढेगा कि IJK है क्या। अब उसको क्योंकि उसके खुद के घर में नहीं मिल रहा IJK, तो अब वो बाहर जाके ढूंढेगा कि क्या इसके घर के बाहर कोई IJK है क्या। तो ऑब्वियसली उसको बाहर मिल गया, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल बनाए हुए हैं IJK, तो किसी भी फंक्शन में इसको एक्सेस किया जा सकता है, क्योंकि ये मेन फंक्शन के बाहर बनाए हैं सबसे ऊपर। तो वेल नाम का फंक्शन IJK बाहर वाले को यूज कर लेगा और वहां से वो प्रिंट कर देगा 10, 20, 30। तो पहले प्रिंट होगा 1, 2, 3 और दूसरे में प्रिंट होगा 10, 20, 30, ठीक है। और जैसे ही मेन फंक्शन वेल नाम का फंक्शन खत्म हो जाएगा, उसकी मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मेन फंक्शन खत्म हो जाएगा उसकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी मेमोरी, और सबसे लास्ट में IJK की मेमोरी खत्म होगी जब पूरा फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा तब, ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा पहले प्रिंट होगा 1, 2, 3 और दूसरे में प्रिंट होगा 10, 20, 30। तो ये आउटपुट स्क्रीन आपको दिख रही होगी, पहले प्रिंट होगा 1, 2, 3 और दूसरी बार प्रिंट होगा 10, 20, 30। क्लियर है, आ गया सबको समझ में, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये वाला फंक्शन क्या प्रिंट करेगा बताओ, यहाँ पर मेन फंक्शन बनाया हुआ है और इसके अंदर सी के अंदर 5 असाइन किया है और डिक्रीमेंट करते जा रहे हैं और प्रिंट करते जा रहे हैं। विकी क्या डाउट हुआ है बताओ, आप प्रीवियस क्वेश्चन में आपको क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। रूल एक सिंपल सा है, प्रीवियस क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट है तो प्रीवियस क्वेश्चन का रूल सिर्फ इतना है कि सबसे पहले लोकल वेरिएबल को यूज किया जाता है। यहाँ पर ये जो मेन फंक्शन के अंदर जो हमने वेरिएबल्स बनाए हैं ना, ये जो मेन फंक्शन के अंदर हमने जो वेरिएबल्स बनाए हैं ये कहलाते हैं लोकल वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि ये मेन फंक्शन के अंदर बने हैं इसलिए ये कहलाते हैं लोकल वेरिएबल, और ये जो बाहर हमने मेन फंक्शन के बाहर जो वेरिएबल्स बनाए हैं ये कहलाते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ये क्या कहलाते हैं? ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल को कोई भी यूज कर सकता है, मेन फंक्शन भी यूज कर सकता है, वेल नाम का फंक्शन भी यूज कर सकता है, लेकिन लोकल वेरिएबल को सिर्फ मेन नाम का फंक्शन यूज कर सकता है क्योंकि मेन के अंदर बने हैं। अगर वेल नाम के फंक्शन के अंदर अगर लोकल वेरिएबल बने होते तो सिर्फ वेल नाम का फंक्शन उसको यूज कर पाता। लेकिन कब यूज करेंगे ग्लोबल और कब यूज करेंगे लोकल, तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो दी जाती है, फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है लोकल वेरिएबल को और फिर उसके बाद सेकेंड प्रायोरिटी दी जाती है ग्लोबल वेरिएबल को। मतलब कि अगर लोकल वेरिएबल प्रेजेंट होगा तो लोकल वेरिएबल यूज करेंगे, अगर लोकल वेरिएबल नहीं मिलता है उस नाम का तब ग्लोबल वेरिएबल यूज करेंगे। तो मेन फंक्शन में जब हम IJK प्रिंट करेंगे तो सबसे पहले वो लोकल वेरिएबल ढूंढेगा, अगर लोकल वेरिएबल मिल जाता है तो उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। और वेल नाम के फंक्शन में जब वो लोकल वेरिएबल ढूंढता है IJK तो उसको नहीं मिला लोकल वेरिएबल, मतलब कि वो जो बॉडी उसकी बनी है उसके अंदर बने हुए होने चाहिए वेरिएबल, तो नहीं बना है, तो फिर वो ग्लोबल वेरिएबल पे जाएगा और उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। अब समझ में आ गया विकी, अब तो कोई डाउट नहीं है। चलो इस क्वेश्चन का आउटपुट बताओ क्या आएगा। अब देखो यहां पर क्या होने वाला है, अब मैं समझाता हूं। यहां पर सबसे पहले मेन फंक्शन को मेमोरी एलोकेट होगी, ठीक है, मेन फंक्शन को मेमोरी एलोकेट होगी और उसके अंदर सी नाम का वेरिएबल बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मेन फंक्शन को मेमोरी एलोकेट हुई पहली बार और उसके अंदर सी नाम का वेरिएबल बन जाएगा और सी के अंदर 5 आ जाएगा। अब फिर दोबारा से प्रिंट एफ फंक्शन चलेगा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद यहां पर इफ वाली लाइन चलेगी और इफ वाली लाइन के ब्रैकेट में लिखा हुआ है सी, इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो चेक करेगा कि क्या कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर नॉन जीरो वैल्यू होती है तो वो ट्रू माना जाता है, सिर्फ जीरो मतलब फॉल्स होता है, जीरो के अलावा कुछ भी वैल्यू अगर हम पास कर देंगे उसको वो ट्रू मानेगा। तो सी के अंदर क्या रखा हुआ है, 5, तो 5 को वो क्या मानेगा, 5 को मानेगा ट्रू, और अगर ट्रू होगा तो मेन फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब मेन फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो दोबारा से यहां पर, यहां से फिर मेन के अंदर से मेन फंक्शन कॉल होगा, जैसे ही मेन फंक्शन कॉल होगा उसको फिर से मेमोरी मिल जाएगी और फिर से उसके अंदर सी नाम का वेरिएबल बनेगा और फिर से यही कोड दोबारा से चलेगा। अब क्योंकि यहां पर ये तो इंट जो है ये तो नॉर्मल टाइप का है, नॉर्मल मतलब हमने इसमें कुछ भी नहीं लिखा, मतलब बाय डिफॉल्ट ऑटो टाइप का है,
तो ऑटो टाइप का स्कोप कब तक होता है? जब तक उसका फंक्शन होता है तब तक। मतलब अगर दोबारा से अगर हमने मेन फंक्शन कॉल कराया तो फिर ये जो वेरिएबल है ये फिर से बनेगा, ये दोबारा से सी नाम का वेरिएबल बनेगा और उसके अंदर फिर से फाइव असाइन हो जाएगा। हाँ, प्रीवियस वाले फंक्शन में हमने जब प्रिंट करवाया था तो सी की वैल्यू पहले प्रिंट करी थी, बाद में डिक्रीमेंट कराया था। आपको ये ध्यान रखना है कि ये पोस्ट डिक्रीमेंट है, तो पोस्ट डिक्रीमेंट के केस में क्या होता है कि पहले वैल्यू प्रिंट होती है बाद में डिक्रीमेंट होता है। तो 5 यहां पर प्रिंट हो चुका था और वैल्यू यहां पर हो चुकी थी 4, तो वैल्यू यहां पर 4 हो गई। लेकिन जब दोबारा से मेन फंक्शन कॉल हुआ तो दोबारा से सी नाम का वेरिएबल बना और उसके अंदर फिर से आ गया 5। अब फिर से प्रिंट एफ चलेगा तो फिर से वो 5 प्रिंट कर देगा, यहां पर डिक्रीमेंट होके वैल्यू हो जाएगी 4 और फिर से मेन नाम का फंक्शन कॉल होगा और ऐसे बार बार चलता ही जाएगा इनफाइनाइटली, और 5 5 5 5 5 5 प्रिंट होता ही जाएगा, कभी भी प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा और इनफाइनाइटली ये चलता जाएगा। आपको एक्सप्लिसिटली फोर्सफुली इस प्रोग्राम को क्लोज करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इफ की कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं हो रही। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तब तो मेन फंक्शन कॉल नहीं होगा, और जब मेन फंक्शन कॉल नहीं होगा तब जाके प्रोग्राम रुकेगा। लेकिन हमारा ये जो सी माइनस माइनस है वो काम ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जब भी वो अगर सी माइनस माइनस से वैल्यू तो डिक्रीमेंट हो रही है लेकिन दोबारा से मेन फंक्शन कॉल हो जा रहा है और फिर से उसके अंदर नया सी बन जा रहा है, और नया सी बनने के कारण उसके अंदर फिर से उसमें 5 आ जा रहा है, तो इसलिए इनफाइनाइटली इसमें 5 5 5 प्रिंट होता जाएगा। तो आप जैसे ही इसको चलाओगे तो 5 5 5 5 5 5 5 इस तरह से प्रिंट होता ही जाएगा इनफाइनाइट टाइम। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? तो इनफाइनाइट टाइम यहां पर 5 प्रिंट होगा। क्लियर हो गया ये बात? इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, ठीक है? हाँ, अब अगर मान लो कि इसी प्रोग्राम में अगर मान लो हमने स्टैटिक लगा दिया, अब क्या आउटपुट आएगा बताओ? ये दूसरा क्वेश्चन है। अब हमने क्या किया, यहां पर स्टार्टिंग में स्टैटिक लगा दिया, अब क्या आउटपुट आएगा ये बताओ? ठीक है, बिल्कुल जो आपके दिमाग में आ रहा है ना वही चीज मैं लिखते जाऊंगा, आप चिंता मत करो। जो मैंने क्वेश्चंस लेकर आया हूं ना वो इसी तरह से लेकर आया हूं कि आपके दिमाग में जो सवाल आएगा ना उसी वहीं पे ही आपको अगले सेंटेंस में उसको आपका जवाब मिल जाएगा। तो इस बार क्या है, स्टैटिक हुआ। स्टैटिक की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, कि डिक्लेयर हम कितनी बार भी करें लेकिन असाइन उसके अंदर एक ही बार होता है, और उसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी। शॉर्ट ट्रिक ये बताई थी आपको कि जब भी स्टैटिक इंट सी इक्वल टू 5 लिखा होता है तो आप ऐसा समझो कि वो सिर्फ एक ही बार चलेगा, उसके बाद वो कभी नहीं चलेगा। अगर आपको कभी भी स्टैटिक लिखा हुआ, अगर आपको प्रोग्राम का आउटपुट अगर सही निकालना है तो आप ये समझो कि स्टैटिक इंट सी इक्वल टू 5 जो है ना वो सिर्फ एक ही बार चलेगा, उसके बाद जितनी बार भी हम फंक्शन कॉल करेंगे ना तो बाकी सारी लाइन तो चलेगी लेकिन ये वाली लाइन दोबारा से नहीं चलेगी, आप ऐसा समझो। ठीक है, तो सबसे पहले मेन फंक्शन को मेमोरी एलोकेट होगी, ठीक है, मेन फंक्शन को यहां पर मेमोरी एलोकेट होगी और इसके अंदर सी नाम का वेरिएबल बन जाएगा। अब जब सी नाम का वेरिएबल बन जाएगा तो आप ऐसा सोचो कि ये सी नाम का वेरिएबल जो है ना वो एक तरीके से मेन फंक्शन के बाहर है, ऐसा सोचो, क्योंकि वो बाहर ही बनता है, वो अंदर नहीं बनता, क्योंकि वो एक तरीके का लाइफ टाइम वेरिएबल होता है। वो ऐसा नहीं होगा कि मेन फंक्शन की मेमोरी डिस्ट्रॉय हो गई तो सी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर सी जो है वो अलग से बनेगा और यहां पर इसके अंदर असाइन हो जाएगा 5। अब जब प्रिंट एफ फंक्शन से सी की वैल्यू हम प्रिंट करेंगे तो वो बाहर इस सी की वैल्यू जो 5 है वो प्रिंट कर देगा, तो सी की वैल्यू को वो प्रिंट कर देगा 5 और फिर सी को डिक्रीमेंट कर देगा तो सी की वैल्यू 5 से हो जाएगी 4। उसके बाद कंडीशन चेक होगी कि क्या इफ सी फॉल्स हो गया क्या, तो सी की वैल्यू यहां पर है 4, तो यहां पर चेक होगा इफ 4 जो है वो ट्रू माना जाएगा तो दोबारा से मेन फंक्शन इधर से कॉल हो जाएगा, दोबारा से मेन फंक्शन कॉल होगा। अब फिर से मेन फंक्शन कॉल होगा तो फिर से मेन फंक्शन को मेमोरी एलोकेट होगी, यहां पर मेन फंक्शन फिर से चलेगा, फिर से अब इसके अंदर सी की वैल्यू प्रिंट करने के लिए जाएगा वो, तो यहां पर फिर से वो इस वाले सी को ही रिफर करेगा, दोबारा से ये सी नाम का वेरिएबल नहीं बनेगा, ये बाहर जो हमारा सी वेरिएबल बना है उसी को ही वो एक्सेस करेगा, तो इस बार वो क्या प्रिंट कर देगा, 4 प्रिंट कर देगा, और उसके बाद फिर से सी की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी तो सी की वैल्यू हो जाएगी 3। उसके बाद फिर कंडीशन चेक होगी कि क्या इफ 3, अब 3 क्योंकि फिर से नॉन जीरो नंबर है तो फिर से इसको ट्रू माना जाएगा और फिर से मेन नाम का फंक्शन यहां से कॉल होगा, और फिर से मेन नाम का फंक्शन कॉल होगा तो फिर से मेन को मेमोरी मिल जाएगी। अब फिर से क्योंकि मेन को मेमोरी मिली
अब फिर से क्या सी नाम का वेरिएबल बनेगा? नहीं, वो बाहर वाले सी को ही एक्सेस करेगा, स्टैटिक इंट सी इक्वल टू 5, आप ऐसा मान लो दोबारा से चलेगा ही नहीं। तो फिर से जब वो प्रिंट करना है सी की वैल्यू, तो ये भी इसी वाले सी को रेफर करेगा और यहाँ पर सी की वैल्यू 3 प्रिंट कर देगा, सी डिक्रीमेंट हो जाएगा माइनस माइनस, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 2। और फिर यहाँ पे चेक होगा कि क्या इफ 2 जो है फिर से क्या है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो है मतलब ट्रू हो गया, तो ट्रू हो गया तो फिर से मेन फंक्शन यहाँ से कॉल हो जाएगा और फिर से मेन फंक्शन को यहाँ पर मेमोरी मिल जाएगी। दोबारा से मेन फंक्शन को मेमोरी मिली और यहाँ पर सी की वैल्यू वही है, पहले वाली वही रेफर होगी और 2 रेफर होगा, तो यहाँ से 2 प्रिंट कर देगा, 2 प्रिंट कर देगा और फिर से चेक होगा सी की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी, तो ये डिक्रीमेंट हो जाएगी 1। और फिर यहाँ पर चेक होगा क्या इफ 1 जो है वो फिर से ट्रू माना जाएगा, तो फिर से मेन फंक्शन कॉल हो जाएगा और मेन फंक्शन को फिर से यहाँ पर मेमोरी एलोकेट होगी। और अब यहाँ पर जब मेन फंक्शन को मेमोरी एलोकेट होगी, तो यहाँ पर फिर से वो सी की वैल्यू प्रिंट करना चाहेगा, तो वो ये 1 को रिफर करेगा और 1 प्रिंट कर देगा, और अब यहाँ पर वो डिक्रीमेंट कर देगा सी को, तो सी को डिक्रीमेंट करेगा तो सी की वैल्यू हो जाएगी 0 और इफ 0 चेक होगा। अब यहाँ पर ये जो है 0 आ गया, 0 आ गया तो फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो बस अब यहाँ पर इसके बाद वाली मेन वाली जो लाइन है वो नहीं चलेगी। यहाँ पर ये जो मेन लिखा है ना, क्योंकि फॉल्स हो गई कंडीशन, तो ये मेन वाली लाइन नहीं चलेगी और लास्ट का कर्ली ब्रेसेस मिल जाएगा, लास्ट का कर्ली ब्रेसेस मिल जाएगा, तो इसका मतलब इस वाले मेन फंक्शन का काम खत्म, इस वाले मेन फंक्शन का काम खत्म, तो इसकी मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसकी मेमोरी क्या हो जाएगी, इसकी मेमोरी रिलीज हो जाएगी और कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, कंट्रोल चला जाएगा उसके पहले वाले फंक्शन पर जहां से इसको कॉल किया था। अब यहां पर भी कर्ली ब्रेसेस हो जाएगा क्योंकि यहां पर मेन फंक्शन का काम खत्म हो गया, कर्ली ब्रेसेस आ जाएगा, यहां पर इसकी भी मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसकी भी मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो यहाँ पर इसकी भी मेमोरी खत्म हो जाएगी और फिर कंट्रोल चला जाएगा प्रीवियस वाले पर जहां पर मेन फंक्शन उसके पहले कॉल कराया था। तो यहाँ पर भी कर्ली ब्रेसेस आ जाएगा लास्ट में और इसका भी काम खत्म, इसकी भी मेमोरी डिस्ट्रॉय, तो यहाँ पर ये फंक्शन भी खत्म हो जाएगा और कंट्रोल आ जाएगा इसके पहले वाले पर, इसके पहले वाले पर कंट्रोल आया, यहाँ पर भी कर्ली ब्रेसेस लास्ट में मिल जाएगा, इसकी भी मेमोरी खत्म, फिर कंट्रोल इसके पास चला जाएगा, इसकी भी मेमोरी खत्म और पूरा जब प्रोग्राम टर्मिनेट होगा तब सी खत्म होगा। तो प्रिंट क्या हो चुका है, प्रिंट हो चुका है 5 4 3 2 और उसके बाद 1 भी प्रिंट हो गया था, तो आउटपुट में आएगा 5 4 3 2 1 और इस तरह से पूरी मेमोरी खत्म हो जाएगी। तो देखो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगा 5 4 3 2 1। ये है स्टैटिक वेरिएबल का कमाल, स्टैटिक वेरिएबल के कारण दोबारा से सी नहीं बनता, पुराना वाला ही सी यूज होता है और वही वैल्यू कम होती जाती है। और उसका ट्रिक मैंने बताई कि आपका आउटपुट सही आए, उसकी ट्रिक ये है कि आप ऐसा मानो कि स्टैटिक इंट सी इक्वल टू 5 वाली जो लाइन है, मतलब जहां पर भी स्टैटिक लिखा है वो वाली लाइन सिर्फ एक बार चलेगी, उसके बाद जब भी फंक्शन कॉल होगा तो ये वाली लाइन नहीं चलेगी, सिर्फ पहली बार जब कॉल होगा तभी चलेगी। अगर ऐसा सोच के अगर आप क्वेश्चन करोगे, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। आई थिंक स्टैटिक अब आपको गलत नहीं करोगे, स्टैटिक तो अब आपको 100% समझ में आ गया, अब स्टैटिक में आप गलती नहीं करोगे। ऑटो और रजिस्टर पे कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, ऑटो रजिस्टर पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, जो क्वेश्चन बनता है वो मोस्टली 90% स्टैटिक पे बनता है और 10% चांस है कि वो एक्सटर्न पे बन जाए। 90% चांस होता है कि वो स्टैटिक पे ही बनेगा, रिकर्जन के साथ में, रिकर्जन का क्वेश्चन आएगा और उसके साथ में स्टैटिक बनेगा। अब हम देखते हैं एक्सटर्न, ऑटो आपको समझ में आ गया, रजिस्टर समझ में आ गया, ऑटो और रजिस्टर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जो क्वेश्चन बनता है वो स्टैटिक और एक्सटर्न पे बनता है। स्टैटिक का कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया, अब एक्सटर्न को देखते हैं। ठीक है, एक्सटर्न में कब कहां पे कैसे लिखा जाता है वो अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, उसके साथ साथ आप अपने रूल्स को लिखते जाना। ठीक है, चलो तो ये पहला क्वेश्चन है, इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा। ठीक है, तो अमर का आ गया 0, तब्लू ने बोल दिया नो डाउट सर, क्लियर है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, कहीं पर भी कुछ भी चीज छोड़ना मत। अगर अभी आकर वीडियो देख रहे हो तो स्टार्टिंग से वीडियो जरूर देख लेना और प्रीवियस पार्ट 1 भी देख लेना, कोई भी क्लास मिस मत करो, सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी कोई चीज छोड़ना मत। ठीक है ना, और आप लोगों को ये जो सारी जो डिटेल्स मैं आपको एक वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप ऐसी कई सारी बुक्स और कई सारे वीडियोस देखोगे तब भी आपको इतनी डिटेल्स नहीं मिल पाएगी जितनी आपको यहाँ पर एक वीडियो में मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर सुरेश ने कहा एरर आएगी, राजन ने कहा मतलब बलजीत ने कहा 0 आएगा, जैनुद्दीन एरर आएगी, और बताओ
अब देखो, कल मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम एक्सटर्न लिखते हैं ना, तो एक्सटर्न लिखने से हम वेरिएबल नहीं बना रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि एक आई नाम का वेरिएबल होगा जो कि एक्सटर्न टाइप का होगा। इससे वेरिएबल नहीं बनता है, इससे सिर्फ ये पता चलता है कि ऐसा वेरिएबल होगा आई जो कि एक्सटर्न होगा। लेकिन इसको दोबारा से हमें लिखना पड़ेगा, आई इंट आई इक्वल टू फाइव कहीं ना कहीं पे लिखना पड़ेगा हमें। मान लो हम यहाँ पे लिख देंगे इंट आई इक्वल टू फाइव, ऐसा कुछ हमें कहीं ना कहीं पर डिक्लेरेशन लिखना पड़ेगा, तब आई नाम का वेरिएबल बनेगा। अगर हमने ऐसा नहीं लिखा है तो यहाँ पर आई नाम का वेरिएबल नहीं बना है। और अगर आई नाम का वेरिएबल नहीं बना है तो आप उसको यूज भी नहीं कर सकते हो। आपने सिर्फ ये बताया है कि आई नाम का वेरिएबल होगा, जरा देखो। मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्न जब भी लिखा है ना, तो आप ऐसा सोचो कि आप मुंह से निकलना चाहिए कि बाहर जाके देखो, बाहर जाके देखो आई नाम का वेरिएबल होगा। अब वो बाहर जाके देख रहा है आई नाम का वेरिएबल, कहीं उसको दिखाई नहीं, लेकिन उसको यूज करना चाह रहा है वो आई, तो यहां पर एरर आ जाएगी। यहां पर क्या आ जाएगी? एरर आ जाएगी कि यहां पर आई जो है वो डिफाइंड नहीं है। देखो यहां पर एरर आ गई इस लाइन में, और यहाँ पे एरर क्या आई है? अनडिफाइंड रेफरेंस टू आई, आई का जो रेफरेंस वेरिएबल है वो नहीं बना हुआ है, आई का कोई रेफरेंस मौजूद नहीं है, इसका मतलब आई नाम का वेरिएबल नहीं बना है। ठीक है, तो एक्सटर्न एक कीवर्ड है और इसको जब हम बना रहे हैं तो यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं हुआ। ठीक है, बिल्कुल जो मैंने ट्रिक बताई है उसको याद रखो। ये जो ट्रिक जो मैंने ट्रिक्स निकाली है ना, बहुत सोच समझ के निकाली है, ऐसा नहीं है कि ये कहीं से पढ़ी है। जब खुद से ही प्रोग्राम देखता जा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा कहना चाह रहा है कंपाइलर। और आई होप आप इसको ट्राई करना अलग अलग प्रोग्राम में। मुझे लगता नहीं है कि ये ट्रिक फेल होगी, फिर भी आप एक बार ट्राई करना। जहां तक है 90% केसेस में ये जो ट्रिक मैंने बताई है ये आपकी वर्क करेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करो। हमने लिखा है एक्सटर्न इंट नम वन इक्वल टू वन, एक्सटर्न इंट नम टू इक्वल टू टू। बताओ क्या आंसर आएगा इसका? अमर ने कहा एरर आएगी, और बाकी लोग बताओ क्या आंसर आना चाहिए? नाजीर ने कहा थ्री आएगा, एक्सटर्न टू इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। देखो एक्सटर्न को इनिशियलाइज कब कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रोग्राम में एरर आएगी। क्यों एरर आएगी? उसका कारण ये है कि यहाँ पर हमने क्या किया, एक्सटर्न नाम का हमने वेरिएबल बना दिया नम। और मैंने अभी आपको क्या बोला कि इसको आप ऐसा सोचो कि हम कंपाइलर ये कहना चाह रहा है कि नम वन नाम का वेरिएबल है, बाहर जाके देखो, ऐसा कोई वेरिएबल बना होगा जो देखो। अब बाहर जाके देखने का मतलब ये भी हो सकता है कि आप मेन फंक्शन के अंदर ही देख रहे हो, या फिर बाहर भी देख सकते हो, कहीं पर भी देख सकते हो। मतलब मेरे पास तो आके मत देखो, कहीं बाहर कहीं पे जाके देखो। ठीक है, तो अब वो बाहर जाके देख रहा है, लेकिन उसको ना ही मेन फंक्शन के अंदर कहीं पे उसको डिक्लेरेशन मिल रहा है, ना ही बाहर मिल रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप इसमें असाइन करवा रहे हो। अरे भैया, आपने कहा है कि बाहर जाके देखो, आपने असाइन क्यों करवा दिया? ये गड़बड़ है। यहां पर हम सिर्फ उसको बता रहे हैं कि एक्सटर्न नाम का वेरिएबल बनेगा या बन सकता है, लेकिन आप असाइनमेंट नहीं कर सकते। और मेन फंक्शन के अंदर जब हम कर रहे हैं तो मेन फंक्शन के अंदर तो कतई नहीं कर सकते। लोकल जब हम बना रहे हैं तो लोकल जब हम वेरिएबल बना रहे हैं तो लोकल वेरिएबल में हम एक्सटर्न बोल रहे हैं, मतलब उसको ग्लोबल बनाना चाह रहे हैं और उसके अंदर इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, ये गलत है। ठीक है, तो अगर आपने लोकल स्कोप में मतलब किसी फंक्शन के अंदर अगर आप एक्सटर्न कीवर्ड भी लिख रहे हो और उसके अंदर वैल्यू भी इनिशियलाइज कर रहे हो तो ये एरर है, इसको गलत माना जाएगा। ठीक है, और एरर मैसेज क्या आएगा वो देखो, यहाँ पर ये एरर आ जाएगी। इसको आप चलाओगे और देखो एरर मैसेज नीचे क्या लिखा हुआ है। एरर मैसेज लिखा हुआ है नम वन हैज बोथ एक्सटर्न एंड इनिशियलाइजर। नम वन जो आपने वेरिएबल बनाया है वो एक्सटर्न भी है और उसमें आप वैल्यू भी इनिशियलाइज कर रहे हो, ये गलत है। मतलब कि आप किसी वेरिएबल को नम वन, अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया है आप उसको एक्सटर्न भी बोल रहे हो और उसमें इनिशियलाइज भी कर रहे हो, ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, और ऐसा कब हुआ? जब हमने इसको मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर बनाया था। क्लियर है, तो यहां पर ये आएगी एरर। तो एक्सटर्न अगर आप बना रहे हो तो लोकल वेरिएबल के केस में आप इसमें इनिशियलाइजेशन मत करना,
क्योंकि एक्सटर्न और यहां पर अगर इनिशियलाइजेशन दोनों कर साथ में करा तो एरर आएगी। क्लियर है? चलो अब मान लो कि हमने यहां पर सेम काम बाहर करा, मतलब कि प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने एक्सटर्न इंट नम वन इक्वल टू वन मेन फंक्शन के अंदर लिखा था। इस बार मान लो कि एक्सटर्न इंट नम वन इक्वल टू वन हम जो है वो बाहर लिख रहे हैं, मतलब हम एक्सटर्न भी बोल रहे हैं और इनिशियलाइज भी करवा रहे हैं लेकिन मेन फंक्शन के बाहर, तो क्या ये चल जाएगा, क्या ये वैलिड है बताओ। क्या आंसर आना चाहिए, एरर आनी चाहिए या फिर आउटपुट प्रिंट करना चाहिए, और अगर आउटपुट प्रिंट करेगा तो क्या एरर आएगी, तो क्या कुछ लोगों ने कहा कि एरर आएगी, कुछ लोगों ने कहा कि एरर नहीं आएगी। अब देखो रूल नंबर टू, रूल नंबर टू ऐसा है कि जब आपने इसको बाहर अगर एक्सटर्न लिखा है तो आपने इसको क्या कहा, आपने इसको कहा कि बाहर जाकर देखो कि इसकी वैल्यू क्या है, तो वो बाहर जाके ही देख रहा है तो बाहर उसको फिर से मिल गया कि हाँ वन असाइन किया है, तो यहां पर ये चल जाएगा क्योंकि उसने कहा बाहर जाके देखो और बाहर जाके उसने देखा तो उसको वन इनिशियलाइज करा हुआ मिल गया। तो ग्लोबल वेरिएबल के केस में, ग्लोबल वेरिएबल के केस में अगर आप इनिशियलाइजेशन करते हो तो चल जाएगा, सिर्फ ग्लोबल के केस में, मतलब कि अगर आपने मेन फंक्शन के बाहर अगर क्रिएट भी कर रहे हो और असाइन भी कर रहे हो तो उस केस में चल जाएगा, अगर मेन फंक्शन के अंदर करते तो नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने मेन फंक्शन के बाहर ग्लोबली, ग्लोबली आपने एक्सटर्न कीवर्ड लिख के उसको बनाया है और उसमें वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दी है, उस केस में यहां पर एरर नहीं आएगी, चल जाएगा। और जब चल जाएगा तो यहां पर नम वन नाम का वेरिएबल बन जाएगा उसके अंदर वन आ जाएगा, नम टू नाम का वेरिएबल बन जाएगा उसके अंदर टू आ जाएगा, वन प्लस टू हो जाएगा थ्री और वैल्यू प्रिंट हो जाएगी वन टू थ्री, तो वन प्लस टू इक्वल टू थ्री यहां पर प्रिंट हो जाएगा। तो इसको हम चलाकर देखते हैं, तो जैसे इसको चलाकर देखा तो यहां पर देखो रिजल्ट आ गया वन प्लस टू इक्वल टू थ्री, तो इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगी। तो हमारा रूल नंबर टू क्या हुआ, बल्कि रूल नंबर थ्री, रूल नंबर वन हमने देखा कि एक्सटर्न इंट लिखने से वेरिएबल नहीं बनता है, हमें अलग से इंट आई लिखना पड़ता है। रूल नंबर टू हमने देखा कि अगर एक्सटर्न इंट लिखा है मेन फंक्शन के अंदर या किसी फंक्शन के अंदर तो हम एक्सटर्न और इनिशियलाइजेशन दोनों साथ में नहीं कर सकते हैं। रूल नंबर थ्री, हम एक्सटर्न और इनिशियलाइजेशन दोनों साथ में कर सकते हैं लेकिन कब, अगर हमने इसको ग्लोबली बनाया है, मतलब सारे फंक्शन के अगर बाहर बनाया है तो हम एक्सटर्न और इनिशियलाइजेशन एक साथ कर सकते हैं लेकिन लोकल वेरिएबल में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई तीनों रूल, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, यहां तक क्लियर है। बहुत इंटरेस्टिंग आपको मैं चीजें बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट जो है आपको बहुत मुश्किल से कहीं पे ढूंढ के मिल पाएंगे। ठीक है ना, आपको एक वीडियो में समराइज्ड वे में ये सारे रूल्स बता रहा हूं, आप इसको बहुत इंपॉर्टेंटली देखो। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर हमने ग्लोबली बना दिया, उसके अंदर वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दी और लोकल में भी हमने वेरिएबल बना दिया, अब क्या होगा, कोई बात नहीं। अगर कल का क्लास मिस हो गया है तो उसको प्रीवियस आप सारी क्लासेस देख लो, सारी की सारी क्लासेस मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन जो अभी मैंने ली है, जो पहले फ्यूचर में भी जो मैंने पहले पास्ट में भी जो मैंने क्लासेस ले चुका हूँ, पूरी पूरी प्लेलिस्ट आप सारी क्लासेस देखना, सारे के सारे वीडियोस मेरे अलग होते हैं, मेरे पेड कोर्सेज के वीडियोस अलग हैं, जो मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लास ले चुका हूँ वो अलग है, जो अभी पढ़ा रहा हूँ वो अलग है, सारे मेरे वीडियोस अलग होते हैं, आपको कुछ भी चीज उसमें कॉमन नहीं मिलेगी। कॉन्सेप्ट जरूर कॉमन हो सकते हैं लेकिन चीजें जो है हमेशा मैं नई नई निकाल के लेकर आता हूँ। जैनुद्दीन ने कहा सेवन आएगा, सुरेश ने कहा एरर आएगा, अमरनाथ ने कहा थ्री प्लस फोर इक्वल टू सेवन आएगा, और बताओ। देखो अब क्या होगा, अब यहां पर ध्यान देना कि यहां पर हमने एक्सटर्न इंट नम वन इक्वल टू वन लिखा है, इसका मतलब कि हमने ग्लोबल वेरिएबल यहां पर बना दिया है और यहां पर भी हमने इंट नम वन नम टू इक्वल टू थ्री लिखा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वेरिएबल्स है ना, ये तो एक तरीके से एक्सटर्नल वेरिएबल हो गए, ये एक्सटर्न कीवर्ड से हमने एक्सटर्नल वेरिएबल बना दिए और ये एक तरीके के ग्लोबल वेरिएबल हो गए। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें इनिशियलाइजेशन भी करवा दिया है। अब आप इसको ऐसा सोच सकते हो कि ये ऑटो टाइप के हैं, क्योंकि ऑटो टाइप के हैं, क्योंकि इसको अंदर बनाया है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, तो आप इसको ऑटो भी मान सकते हो और कुछ ना मान के आप इसको लोकल वेरिएबल तो आप मान ही सकते हो, आप ऑटो इसको मानो या ना मानो लेकिन आप इसको लोकल वेरिएबल तो मान सकते हो, ये बात तो तय है कि ये लोकल वेरिएबल आप इसको मान सकते हो। अब अगर लोकल वेरिएबल है तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रायोरिटी सबसे पहले लोकल वेरिएबल को दी जाती है, उसके बाद ग्लोबल वेरिएबल को प्रायोरिटी दी जाती है, तो पहले वो लोकल वाले वेरिएबल को देखेगा। तो
तो अब यहाँ पर जब नम वन और नम टू की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तो सबसे पहले वो थ्री और फोर की वैल्यू प्रिंट कर देगा, एरर तो नहीं आएगी। एरर इसलिए नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर हमने एक्सटर्न नहीं लिखा है, हमने एक्सटर्न लिखा है बाहर, और अगर हमने ग्लोबल में एक्सटर्न लिखा है और उसके अंदर इनिशियलाइजेशन किया है तो कर सकते हैं। प्रायोरिटी लोकल वाले को मिलती है इसलिए 3 प्लस 4 को प्रायोरिटी मिल जाएगी और 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 हो जाएगा, तो आउटपुट आ जाएगा 3 प्लस 4 इक्वल टू 7, क्योंकि प्रायोरिटी इसको क्यों मिलेगी, क्योंकि लोकल वेरिएबल को पहले देखा जाता है बाद में ग्लोबल को देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने इसको चलाया तो आंसर आ गया 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। क्लियर है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़े, अब बताओ क्या होगा इससे। अब मैंने क्या किया कि एक्सटर्न इंट नम वन एक्सटर्न इंट नम टू अंदर लिखा है और इसको डिक्लेयर जो किया है वो बाहर किया है, इंट नम वन इक्वल टू 3 इंट नम टू इक्वल टू 4। अब बताओ आंसर क्या होगा। सारे पॉसिबिलिटीज, सारे जो कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं वो सारे मैंने कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश करी है। एक ही तरह के प्रोग्राम को अलग अलग तरीके से लिखने की कोशिश करिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि अच्छा यहाँ लिखे तो क्या होगा, यहाँ लिखे तो क्या होगा, वैल्यू असाइन करे तो क्या होगा, वैल्यू असाइन नहीं करे तो क्या होगा। जितनी भी सारी पॉसिबिलिटीज दिमाग में आ रही थी वो सब मैं लिख लिख के बनाता गया और उससे आउटपुट निकालने के लिए आपको दिया है मैंने। तो अब सबने आंसर दिया है 3 प्लस 4 इक्वल टू 7, तो यहाँ पर सभी लोग का आंसर बिल्कुल सही है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर हमने एक्सटर्न इंट नम वन नम टू लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये कहना चाह रहा है कि बाहर जाकर देखो। तो यहां पर इसने बाहर जाके देखा और बाहर जाके देखा तो इसको मिल गया कि इंट नम वन बनाया है उसके अंदर 3 असाइन किया है और नम टू बनाया है 4 असाइन किया है, तो यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल बन जाएंगे नम वन और नम टू, 3 और 4 उसके अंदर 3 4 असाइन हो जाएगा। हमने इसके अंदर मेन फंक्शन के अंदर इनिशियलाइज नहीं कराई है कोई वैल्यू, तो बिल्कुल कोई एरर नहीं है, तो यहाँ पर बाहर वाली वैल्यू को वो एक्सेस करेगा और 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इनिशियलाइज नहीं करा है इसलिए कोई एरर नहीं है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि बाहर जाकर देखो, बाहर जाकर देखो तुम्हें नम वन और नम टू मिल जाएगा, तो यहाँ पर मिल गया नम वन और नम टू, तो इसका काम हो गया। इसने कहा कि बाहर जाके देखो और यहाँ पर इसने बना दिया, जैसे ही बाहर बन गया तो कोई एरर नहीं है, अगर नहीं बनता तो एरर हो जाती, तो यहाँ पर 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे ही हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन आ गई 3 प्लस 4 इक्वल टू 7। क्लियर है, बिल्कुल इनिशियलाइज क्योंकि आउटसाइड हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियलाइज अंदर भी हम कर सकते थे लेकिन सेम लाइन में नहीं होगा, जहां पर हम एक्सटर्न लिख रहे हैं उसी लाइन में इनिशियलाइज नहीं होगा, बाद में हम कर सकते हैं। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से हमारे जितने भी पॉसिबिलिटीज थी मैंने बनाने की कोशिश करी है। आप इसको अंदर भी लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि जिस लाइन में हम एक्सटर्न लिख रहे हैं उसी टाइम पे आप इनिशियलाइजेशन नहीं करना। प्रीवियस एक बार एग्जांपल फिर से बता दूं, देखो प्रीवियस एग्जांपल ये था, प्रीवियस एग्जांपल में हमने क्या किया था कि यहां पर बाहर हमने ये ग्लोबल बनाया और इसके अंदर असाइन कर दिया, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चल जाएगा, लेकिन ये ग्लोबल है, ये कौन से हैं, ये ग्लोबल है, और अंदर भी हमने वेरिएबल बना दिया नम वन और नम टू, उसके अंदर 3 और 4 असाइन कर दिया लेकिन ये लोकल है। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी किसको मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी लोकल वालों को, तो इसलिए 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है, आ गए आपको सारी पॉसिबिलिटी समझ में। तो इतने सारे केसेस मैंने आपको बनाए हैं, आपके दिमाग में भी अगर कोई केस आता है तो आप उसको बनाइए, प्रोग्राम रन करके देखिए और उसको फिर समझने की कोशिश करिए कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कई सारी चीजें है ना बुक में नहीं लिखी होती है, कई सारे कॉन्सेप्ट्स जो है आपको समझने पड़ते हैं हिट एंड ट्रायल करके। आप अपने अकॉर्डिंग आपके दिमाग में जो आ रहा है ना वो प्रोग्राम बनाओ और उस प्रोग्राम का आउटपुट देखो और फिर आउटपुट समझो कि ऐसा क्यों आ रहा है और उसको रिसर्च करो, तब आपको चीज समझ में आएगी कि अच्छा कंपाइलर इस तरह से वर्क करता है। सारी चीजें आपको बुक में मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं होता, इसीलिए ही हमें मेंटर की टीचर की जरूरत होती है, क्योंकि वो आपको कुछ ऐसी चीजें भी बता देता है जो आपको बुक्स में इजीली नहीं मिल पाती है। ठीक है ना, इंट वाला इनिशियलाइज नहीं होगा तब क्या प्रिंट होगा, इंट वाला अगर इनिशियलाइज नहीं होगा तब, इंट वाला इनिशियलाइज नहीं होगा तो प्रिंट होगी जीरो वैल्यू। ठीक है ना, अगर आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि हमने इंट तो बनाया है, आप अगर ऐसा कहना चाह रहे हो कि हमने ये इंट तो बनाया है लेकिन यहाँ पर वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी है तो क्या प्रिंट होगा, तो बाय डिफॉल्ट एक्सटर्न की वैल्यू जीरो होती है तो वो जीरो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन इंट लिखना जरूरी है यहाँ पर, ये डिक्लेयर करना जरूरी है, अगर डिक्लेयर नहीं किया तो एरर आ जाएगी। ठीक है, हाँ यहाँ पर लोकल में भी अगर आप लिख दोगे तो भी चल जाएगा,
यहाँ पर इंट नम वन, अगर अगली लाइन में नेक्स्ट लाइन में अगर आप लिख दोगे तो चल जाएगा, नम वन इक्वल टू थ्री, अगर आपने नेक्स्ट लाइन में भी लिख दिया लोकल में भी तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है, आ गया समझ में आप लोग को? चलिए, तो आई होप आप लोगों की आज की क्लास आप लोगों ने बहुत इंजॉय करी होगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, और शेयर जरूर करना जितना ज्यादा हो सकता है, इन वीडियोस को वायरल कर। हम लोग फालतू के वीडियोस को तो फैला देते हैं लेकिन काम के वीडियोस कौन पहुंचाएगा? इतनी मेहनत करके अगर आपको कोई पढ़ा रहा है तो यहाँ पर चैनल को ग्रो कैसे होगा? अगर आप लोग को कोई पढ़ा रहा है, मैं अकेला, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, अगर आपको कहीं पर भी अगर आपको कुछ अच्छी चीज मिलती है तो कहीं ना कहीं पे आपको उसको बताना चाहिए। हम फालतू के वीडियोस तो बता देते हैं, शेयर कर देते हैं, लेकिन काम के वीडियोस नहीं शेयर करते हैं, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि चैनल जितना ग्रो होना चाहिए उतना नहीं होता है ग्रो मेरा। अब जो भी इसका रीजन रहा हो, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली वीडियोस भी नहीं डाल पाता हूँ, एक ये भी मेन रीजन हो सकता है, लेकिन फिर भी जितना मैं कोशिश करता हूँ, अच्छा मेरे को टाइम मिलता है जैसा भी, उतना मैं शेयर करने की आपको नॉलेज कोशिश करता हूँ। टेस्ट जो है वो कल होगा, कल सैटरडे और संडे आपको दोनों दिन टेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो कल की क्लासेस आपकी चांसेस है कि ना हो पाए, लेकिन उसके बदले आपका टेस्ट रहेगा। तो टेस्ट जो है उसकी टाइम ड्यूरेशन जो है वो 2 दिन की रहेगी, और फिर मंडे को मैं आपको उसका टेस्ट का रैंक बताऊंगा। तो आज तक का जो भी मैंने पढ़ाया है वो सभी टेस्ट का पार्ट होगा। तो अगर आप लोगों ने कुछ भी चीज अगर मिस कर दी है तो लेक्चर 1 से लेकर अभी तक के सारे वीडियोस देख लो और आगे भी कंटिन्यू करते रहना। टेस्ट कहाँ पे देना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप के लिंक है, आप उस ऐप को इंस्टॉल कर लो, मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं आपको उस बैच में ऐड कर दूंगा, और जैसे ही टेस्ट होगा आपको टाइम मिलेगा। अभी जो टेस्ट मिल रहा है वो 10 क्वेश्चन का है, जिसका की टाइमिंग जो है वो 30 मिनट्स है, 3 पॉजिटिव मार्किंग है, और अगर आपने गलत करा तो उसका -1 है, और इस तरह से आपका टेस्ट होगा, और उसकी जो रैंक है वो आपके SMS पे भी आपको मिल जाएगी, और साथ ही साथ आपको मैं मंडे को यहाँ पर रैंक सबकी दिखा भी दूंगा नाम के साथ में, और फिर आपको समझना पड़ेगा कि आपको कितना इम्प्रूव करने की जरूरत है। और टेस्ट में जितने लोगों को पार्टिसिपेट करवाओगे वो करवाओ, ताकि टेस्ट से ही आपका इवेल्युएशन होगा। आप टेस्ट कभी मत छोड़ो, ना ही क्लासेस छोड़ो, और टेस्ट तो बिल्कुल मत छोड़ो, क्योंकि आप जब टेस्ट दोगे तभी आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे लाए कर रहे हो। फाइनल एग्जाम में डायरेक्ट नहीं खेला जाता, अगर आपको क्रिकेट मैच खेलना है, फाइनल मैच खेलना है, तो कई सारे टेस्ट मैचेस और वन डे मैचेस खेलने पड़ेंगे, तब आप वर्ल्ड कप जीत पाओगे। अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो आप ये सोचो कि डायरेक्ट वर्ल्ड कप खेलने चला जाऊंगा और जीत के आ जाऊंगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जितने भी टेस्ट हो रहे हैं, छोटे छोटे टेस्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे लेवल उनका बढ़ता जाएगा, वो सारे टेस्ट दीजिए, वो वही आपका धीरे धीरे लेवल बढ़ाएगा कि आप गेट, नेट और इसरो जैसे एग्जाम्स को फेस कर पाओगे, ठीक है। तो कोई भी टेस्ट मत छोड़ो, हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा और एक दिन आप टॉप पे पहुंच जाओगे। क्लियर है, तो आई होप आप लोग के लिए इतनी जो बातें मैंने कही है वो आपके कभी ना कभी लाइफ में काम आए। थैंक यू वेरी मच।